2023 तक पेमेंट किया हुआ है गाड़ी और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 1,60,000, 1,60,000 35,000, 1,35,000 में i10 क्या 3.5 लाख रुपया मांग रहे हैं। देखिए प्राइस नेगोशिएबल हो जाए, चलिए 3.5 लाख रुपया डिमांड है, ये नेगोशिएबल होने वाला है। हेलो एवरीवन, दिस इज सैफ, वेलकम टू सिद्दीकी राइड। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सिद्दीकी राइड के एक और ब्लॉग में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो नहीं देखा तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देखिए जिसमें मर्सिडीज दिखाया काफ़ी अच्छे प्राइस में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और काफ़ी अच्छे प्राइस में होने वाली है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको हमसे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, स्क्रीन पर शो करता होगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो अब मिलेंगे यहाँ के ऑनर से और सभी कारों का डिटेल लेंगे। तो आ जाओ इमरान, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगेन सभी को हेलो कर दीजिए सर। हेलो, अब ये सेकंड वर्जन में आगे हम लोग का ये फर्स्ट आप लोग वीडियो देखे, आगे जो आई है हम लोग का सब प्रीमियम भी था, उसमें छोटा गाड़ी भी सब कुछ था। इसमें मिड सेगमेंट में सेडान्स में आएगा आपका गाड़ी, कुछ बड़ा गाड़ी में भी आएगा, एसयूवी में आएगा और कम बजट गाड़ी भी आप इस वीडियो में देखिएगा। देखिए तो उस वीडियो को नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं आप। उसमें मर्सिडीज भी दिखाया गया है काफ़ी अच्छे प्राइस। तो सर ये क्या डिटेल हो जाएगा इसका? ये है लैंसर सीडी है, 2008 की गाड़ी है। ये टैक्स आपका 2023 तक पेमेंट किया हुआ है गाड़ी और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 1,60,000, 1,60,000। हाँ, ये पेट्रोल गाड़ी है, मित्सुबिशी लैंसर है। माइलेज क्या हो जाता है इसका सर? इसका माइलेज थोड़ा कम ही है, ज़्यादा नहीं है, करीब 10 के आसपास में मिलेगा, 10 के आसपास मिलेगा माइलेज। तो 1,60,000 में सेडान टाइप की। तो अगेन एक वर्ना खड़ी है सर, काफ़ी अच्छी कलर में। ये हाँ बरगंडी कलर में गाड़ी है, 2013 की गाड़ी है। ये भी फिर बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है, डीजल वर्जन है, 1.6 है ये गाड़ी। और इसका भी सारा पेपर्स अपडेटेड है। ये जेन्युइन 24,000 रिबन है गाड़ी, 24 ओल्डी 24,000 रिबन गाड़ी है। गाड़ी एकदम कोई काम नहीं, सिर्फ तेल भरी है और गाड़ी डीजल भराइए और गाड़ी यूज़ कीजिए, सिर्फ 100 रुपीज़ का तेल भराइए और गाड़ी ले जाइए। और इसमें आपका फाइनेंस का भी ऑप्शन है, सब कुछ सारा कुछ सारा डॉक्यूमेंट सब पेपर सब अपडेटेड है इसका। और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 385,000। कब की हो जाएगी सर? 2013 की गाड़ी, 13 की गाड़ी 385,000, वो भी भरना सेडान में। अब आते हैं डिज़ायर। ये 2014 का डिज़ायर है, ये ZXI है, ये पेट्रोल वर्जन में गाड़ी है। इसमें अलॉय व्हील्स, एयर बैग्स वगैरह सभी आते हैं। ये एकदम पेट्रोल की सबसे टॉप वेरिएंट में गाड़ी है और ये भी गाड़ी 45,000 रिवन है। ये वर्ना बोलिए और ये आपका ये स्विफ्ट डिजायर, ये सारा कंपनी मेंटेन गाड़ी है, कंपनी रिकॉर्ड्स, आप लोग जाके कंपनी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। जेन्युइन चली हुई है एकदम, सब गाड़ी एकदम पूरा कंपनी रिकॉर्ड। ऑनर क्या हो जाएगी सर? सब फर्स्ट ओनर गाड़ी है। इसका प्राइस क्या हो जाएगा? इसका प्राइस है 355, 3,55,000। ये नेगोशिएबल प्राइस है, सिद्दीकी राइड के लिए थोड़ा देख लीजिएगा एकदम जरूर। तो अब आ जाते हैं डिजायर के बाद इनोवा की तरफ। ये भी 7 सीटर मान वाली है? नहीं, ये 8 सीटर गाड़ी है, 8 सीटर। हाँ, इनोवा है, डीजल वर्जन में है, 2013 की गाड़ी है, 23 तक टैक्स दिया हुआ है, सिल्वर कलर की गाड़ी है और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 650, 6.5 लाख रुपये। 6.5 लाख रुपये कब की हो जाएगी सर? 2013 की गाड़ी है, 8 सीटर गाड़ी है, इनोवा डीजल। ओनर क्या हो जाएगी? ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है। कितना चला होगा ये गाड़ी आपका? करीबन 70-75 हज़ार चला होगा। 70-75 हज़ार चला होगा तो चलिए 6.5 लाख रुपये में। तो 6.5 लाख रुपये एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड प्राइस है, ये कम हो जाएगा जी हाँ। और आपके लिए तो कैरी देते हैं सर। तो आप चलते हैं बाहर की तरफ और गाड़ियाँ देखते हैं। तो अब आते हैं फैमिली कार में, इसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है सर। हाँ, ये मारुति का तो जब से मारुति वैन बंद हुआ तो इको का डिमांड बढ़ गया बहुत ज़्यादा। और ये गाड़ी भी बहुत अच्छी गाड़ी है, 2011 की गाड़ी है, 2021 तक का टैक्स दिया हुआ गाड़ी है। ये 5 सीटर गाड़ी है, नॉन एसी है। इसका प्राइस है 1,65,000 रुपये, 165,000। 1,65,000 में आपको फैमिली कार मिलने वाली है। 21 तक टैक्स ना सर? 21 तक टैक्स है, 11 की गाड़ी है, नॉन एसी गाड़ी, एसी नहीं, 5 सीटर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा सर? नेक्स्ट अभी योन है, तरफ आते हैं। वाइट में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है सर ये गाड़ी, एकदम फ्रेश गाड़ी है, 2012 की गाड़ी है, योन पेट्रोल है। ये आपका एरा प्लस मॉडल की गाड़ी है। अब आगे वीडियो में देखे एक योन मेरे पास में है, वो भी ग्रे कलर की गाड़ी है, 12 की गाड़ी है, उसका प्राइस है आपका 165,000 और ये गाड़ी का प्राइस है आपका 135,000। 1,35,000 क्योंकि इसका टैक्स फेल है, टैक्स भरना पड़ेगा, करीबन 30,000 का टैक्स पड़ेगा। वो ग्रे कलर की ऑप्शन है, ये एक तो वाइट कलर की ऑप्शन है। मतलब अगर आप सौरभ कार मार्ट में आ रहे हैं ना तो गाड़ियों का तो भंडार लगा हुआ है सर, जो गाड़ियाँ पसंद आए आप ले जाइए, वापस नहीं जाने वाले। तो 1,35,000 में ये आपको योन मिल जाएगी। तो नेक्स्ट सर आते हैं 9 सीटर में सर। नहीं, ये 10 सीटर गाड़ी, 10 सीटर गाड़ी है, चलिए एकदम ये मतलब आज वैरायटी होने वाली है। ये आपके 2005 की क्वालिस है, ये गाड़ी तो अभी फिलहाल बंद हो गया, बाकी ये गाड़ी अगर प्रोडक्शन में रहती तो इतना इनोवा इतना नहीं चलते, यही गाड़ी इतना चलता। अभी भी कंपनी ये गाड़ी प्रोडक्शन में लेके आएगा तो इसका सेल्फी जैसे आगे का था वैसे ही रहेगी। गाड़ी बहुत अच्छी गाड़ी है,
एफएस मॉडल की गाड़ी, एसी पास टी रही है गाड़ी में, टायर्स भी गाड़ी में बहुत अच्छी है और गाड़ी लाइफ टाइम टैक्स है, इंश्योरेंस 2000 इंश्योरेंस रनिंग है आपका, सीएफ भी 2025 तक किया हुआ है, 10 सीटर गाड़ी जो भी ले रहे हैं रिलैक्स रहना है 5 साल तक, हाँ 5 साल तक रिलैक्स रहना है उसको रहेगा। और गाड़ी का आपका पेपर स्टॉप अपडेट है, एसी भी रनिंग है, सब कुछ रनिंग है और 10 सीटर गाड़ी है, 10 आदमी लेके कोई भाड़ा वाड़ा चलाने मांग रहा तो उनके लिए परफेक्ट एकदम, 5 साल रिलैक्स रहना है सर, 10 सीटर होने वाली लाइफ टाइम टैक्स। प्राइस क्या होने वाला है इसका? प्राइस सौरभ कारमाट वाला प्राइस होना चाहिए इसका, 2,10,000 रुपया मांगा, 2,10,000 10 सीट हो क्या चाहिए, लाइफ टाइम टैक्स होने वाली, नेगोशिएबल हो जाएगा सर? हाँ नेगोशिएबल प्राइस, चलिए नेगोशिएबल हो जाएगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट है हुंडई i20। हाँ ये हुंडई i20 है, ये 2012 की गाड़ी है, ये मैग्ना मॉडल है, ये भी फुल ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है और ये आपका डीजल वर्जन में है, एसी पावर स्टीयरिंग पावर विंडो है, दोनों म्यूजिक सिस्टम भी कंपनी फिटेड ही है गाड़ी में, टायर्स वगैरह गाड़ी में सब ठीक है और पेपर्स तो सारा अपडेट है ही है गाड़ी में। और ये गाड़ी का आपका जो प्राइस है ये आपका करीब 2,90,000, 2,90,000, 2,90,000 में। कब की बताया सर आपने? 2012 की गाड़ी है, डीजल वर्जन में, फर्स्ट ओनर, फर्स्ट ओनर जी हाँ। तो अब आते हैं 800 की तरफ, सर 800। हाँ ये 800 है, यही हम लोग का सबसे बजटेड गाड़ी है, मैंने मेरा स्टॉक में जो है सबसे कम दाम वाला गाड़ी में यही मिलेगा आपको अभी, जो कि थंबनेल प्राइस होगा। हाँ तो इसका जो है ये 1998 की गाड़ी है, ये नंबर प्लेट में मत जाइए, इतना पुराना गाड़ी, गाड़ी लेना है तो इसको लेके जाइए। आजकल का ज़माने में आदमी गाड़ी आता है, गाड़ी खरीदने नहीं आता, नंबर प्लेट खरीदने आता है। तो खैर जो भी है, ये गाड़ी जेन्युइन 31,000 चला हुआ गाड़ी है, एक तो चर्च की फादर की गाड़ी है, वो गाड़ी यूज़ नहीं करते थे, गाड़ी अभी भी ओरिजिनल पेंट में ही गाड़ी है, गाड़ी 31,000 जेन्युइन चली हुई गाड़ी है, लाइफ टाइम टैक्स, CF25, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सारा पेपर्स चालू है, डबल चाबी भी गाड़ी की है, गाड़ी पहले पहले सब कुछ है। और ये गाड़ी का एक्सपेक्टेड प्राइस है 35,000 रुपये, 35,000 रुपये में सर। अभी बाइक भी नहीं मिलता है दाम में और बरसात का टाइम आ रहा है, लेके किसी को रखना है रख लीजिए, हाथ सेट कर लीजिए, फिर उसके बाद दोबारा बेच दीजिए, सीएफ सारा पेपर्स अपडेट है, दोबारा आप ले भी लेंगे सर एकदम 100। यानी 20 साल पुरानी गाड़ी लेने के लिए डरिए मत, एकदम सीएफ होगा तो गाड़ी चलेगा, सीएफ होगा गाड़ी चलेगा। अब आते हैं बैक में क्या होने वाली, जेन तरफ आते हैं, ये है जेन एस्टेलो है, 2011 की गाड़ी है और इसका आपका रोड टैक्स फेल है, 2011 की गाड़ी है और इसका ये न्यू मॉडल गाड़ी है, न्यू शेप में है गाड़ी, जेन एस्टेलो कम चला है, करंट 40-45,000 ड्रिवन गाड़ी है, फर्स्ट ओनर की गाड़ी है और इसका 1,20,000 रुपये प्राइस है, 1,20,000 में। कब की हो जाएगी सर? 2011 की, 11 की गाड़ी न्यू शेप में 1,20,000 में। तो फिर से अगेन हुंडई i10, ये वाला जो है ये आपका है i10 2008 की गाड़ी है, ये i10 एरा है, इसका भी टैक्स वगैरह सब 2023 तक दिया हुआ है, गाड़ी एकदम फ्रेश गाड़ी है, गाड़ी में थोड़ा हल्का एक तो दरवाजे में स्क्रैच है, ये आप देख सकते हैं हल्का है, बाकी इसका फिनिश मिलेगा ना, और फिनिश ऐसे कोई लेने मांग रहा तो दे देंगे, नहीं तो फिनिश कर देने बोलिए तो भी कर देंगे। चलिए तो ये जो है ये गाड़ी का प्राइस है 135, 1,35,000, 1,35,000 में i10 क्या चाहिए, 13 की ना सर, 2008 की, 8 की, 8 की, 23 तक टैक्स जी हाँ। तो अब आ जाते हैं ब्लोरो, लास्ट स्कॉर्पियो दिखाया था हमने काफ़ी अच्छे प्राइस में, इस बार ब्लोरो दिखाते हैं, ये बोलेरो है, बोलेरो 2008 की गाड़ी है, सॉरी 2012 की गाड़ी है, 22 तक टैक्स दिया है, ये 9 सीटर गाड़ी है और इसमें एसी है, पावर स्टीयरिंग नहीं है, एसी मिलेगा और गाड़ी ऐसे फ्रेश गाड़ी है, ऐसे कोई गाड़ी में खास कुछ काम नहीं है, गार्ड वगैरह सब लगा हुआ है। और ये गाड़ी का जो है आप 3,50,000 रुपया मांग रहे हैं, देखिए प्राइस नेगोशिएबल हो जाए, चलिए 3,50,000 रुपये डिमांड है, ये नेगोशिएबल होने वाला है। तो सर वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बताया कैसा लगा वीडियो, जो भी डिमांड हो आप कमेंट करके बताएं, सर भी कमेंट देखते हैं, हम भी कमेंट देखते हैं, जो डिमांड रहता है सर को मैं बोलता हूँ वो गाड़ी आ जाती है, जैसे लास्ट टाइम स्कॉर्पियो इस बार ब्लोरो। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और साथ ही में चैनल को तो सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको सस्ता गाड़ी चाहिए तो सौरभ कारमाट का वीडियो देखना होगा, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए हम लोग को, आइए देखिए गाड़ी, देखिए जो पसंद होगा लीजिए, कार्ड का ऑप्शन है, फाइनेंस का ऑप्शन है, कैश जिसे कैश भी दीजिएगा तो चलेगा, देखिए अब ईयर एंडिंग है 31 मार्च, आइए अच्छा ऑन द टेबल बैठ के डिस्काउंट कर दीजिए, चलिए बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक ख्याल रखें, नमस्कार।